हेलो फ्रेंड्स, क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको शटर टैटिंग लेसन में डबल पिकेट बनाने सिखाने जा रही हूँ। तो ये पिकेट्स कैसे एक के बीच में एक वीव होती है, ये आज मैं आपको सिखाऊंगी। ये बहुत सारे मोटिव्स में यूज़ हो सकती है। आप इसमें लेस में आप अपनी जब पिकेट डालते हो तो उसको और लेस को एनहांस करने के लिए, ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए आप डबल पिकेट्स डाल सकते हो, इवन ट्रिपल पिकेट्स डाल सकते हो। तो ये पिकेट्स कैसे डाली जाती हैं, आज मेरा लेसन ये होगा। तो आई होप कि आपको अच्छा भी लगेगा और आप सीख भी जाओगे। तो आप देखिए ये पिकेट के बीच में पिकेट कैसे वीव होती है। तो इसके लिए जब आप पिकेट पोजीशन पे आओगे तो मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे वीव होती है। ये देखिए, मैं एक सिंपल रिंग बनाऊंगी 4 डबल नॉट्स की। 1, 2, 3, 4। अब साइड की पिकेट डालेंगे। इतना बनाने के बाद आपने तकरीबन 1-1.5 इंच की एक पिकेट बनानी है, जैसे एक लंबी पिकेट बनानी है आपने, कैन से इतनी। ये आपकी इमेजिनेशन है कि आपको कितनी बड़ी पिकेट चाहिए, कितना बड़ा आपका मोटिफ है, आप उतनी बड़ी पिकेट बना सकते हो। जैसे मेरे को इतनी लंबी पिकेट चाहिए, अप्रॉक्सीमेट 1-1.5 इंच के बराबर। ओके, और उसके बाद यहाँ से पकड़ के मैं इसको बंद कर लूँगी। तो ये साथ ले आई, तो ये देखिए ये एक लंबी पिकेट बन गई। ओके, उसके बाद मेरे को एक डबल स्टिच लेना है और उसके बाद इसको मैंने इस तरीके से पकड़ना है, ये इसके ऐसे सामने आ जाए और इस वाले थ्रेड में से इसको पास कर लेना है। ओके, पास करने के बाद मैं इसको आराम से वीव कर लेना है। यहाँ से नहीं छोड़ना आपने, यहाँ से इसको पकड़े रखना है और सेकंड स्टिच लेके इसको बंद कर देना है ऐसे। तो ये देखिए ये कैसे डबल पिकेट बन गई। बहुत सिंपल है। फिर उसके बाद आपने जैसे वीव कर रहे हो, निट कर रहे हो, वैसे करते चले जाना। और दोबारा से मैं एक और पिकेट डालूंगी और रिंग कंप्लीट करूंगी। सिंपल रिंग। तो इस तरीके से हम रिंग बना सकते हैं। 4 डबल नॉट पिकेट, 4 डबल नॉट एक लंबी सी पिकेट और 1 डबल नॉट और डाल के फिर इस पिकेट को आपने फोल्ड करके यहीं पे अटैच कर लेना है। फिर 4 डबल नॉट्स डालने हैं, फिर पिकेट, फिर 4 डबल नॉट्स और रिंग कंप्लीट। अब इसको हम बंद कर लेंगे। तो ये ऐसे हम डबल पिकेट बना लेते हैं। आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको जरूर आ जाएगी। अब मैं अगली रिंग में आपको ट्रिपल पिकेट सिखाऊंगी कि ट्रिपल पिकेट्स कैसे बनती हैं। तो हम एक और रिंग बनाएंगे। एक और हम रिंग बनाएंगे 4 डबल नॉट की, 3 एंड 4। इसको हम इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे। आपके साथ के साथ रिवाइज भी हो रहा है कि ज्वाइनिंग कैसे करते हैं और सिंपल लेस कैसे बनती है। 4 डबल नॉट्स, 1, 2।
फोर डबल नॉट लगाने के बाद आपने एक बार फिर से लंबी पिकेट बनानी है। इस बार आपने पहले से 1.5 इंच की बजाय 1.25 इंच के करीब लंबी रिंग बनानी है। अब इसको आपने ऐसे जोड़ दें तो ये लंबी सी पिकेट बन गई। अब इसके बाद हमने एक बीच में डबल नॉट डालना है। अब इसके बाद हम एक छोटी पिकेट डालेंगे, सबसे छोटी पिकेट इतनी। पिकेट डालने के बाद अब हम इस रिंग को इसमें से गुजारेंगे जैसे कि हमने पहले गुजारा था। आपने घूमने नहीं देना धागा और इसको यहाँ से पकड़े रखना है, छोड़ना नहीं है और इसको कंप्लीट करके ही रिंग को छोड़ना है। अब इसको साथ जोड़ लें तो ये देखिए कैसे 1, 2 एंड 3 रिंग्स बन गई इकट्ठे, छोटी उससे बड़ी और उससे बड़ी। अब उसके बाद जैसे आप नीट कर रहे हो वैसे अपने लेस में नेट करते चलिए। इसके बाद पिकेट और फिर 4 डबल नॉट्स, 2, 3 एंड 4। आप देख रहे हैं कि कैसे ये ट्रिपल पिकेट की रिंग बन गई है जिसमें ट्रिपल पिकेट्स हैं। अच्छे से फोकस नहीं हो रहा शायद, ये देखिए ऐसे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये कैसे डबल पिकेट और ट्रिपल पिकेट्स बनानी है। तो इस तरीके से आप अगर कोई लेस बनाते हैं तो उसमें आप ट्रिपल पिकेट्स या डबल पिकेट्स यूज़ कर सकते हैं। एक मोटिव पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का मोटिव चाहिए, आपने कितनी पिकेट्स डालनी है। तो ये भी एक बेसिक लेसन है टैटिंग का जिसमें आपको डबल पिकेट और ट्रिपल पिकेट सिखाई जाती है। तो इस तरीके से जैसे मैंने एक ये फ्लावर बनाया है ये डबल पिकेट से बनाया है। तो आई होप कि आपको ये डबल पिकेट और ट्रिपल पिकेट बनाना आसानी से आ गया होगा और जब आप खुद अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे तो पक्का सीख पाओगे। तो अगर आपको ये बनाना अच्छा लगे और आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ ऐसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।